हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे मास्किंग के थ्रू अर्थ रोटेशन किस तरह से होता है और उसको 3D पे इफेक्ट कैसे देंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कोई भी एक कलर सिलेक्ट करके एक सर्कल बनाएंगे फिल कलर से, और जो आउटलाइन कलर है उसको मैंने ऑफ कर रखा है। मुझे आउटलाइन की मुझे ज़रूरत नहीं है, इसको मैं मास्क लिखूंगा यहाँ पर। और जो सेकंड लेयर में यहाँ पर और एक सेकंड लेयर ले लूँगा जहाँ मेरा मैप का पिक्चर होगा जो मैंने लाइब्रेरी में पहले से रखा है। इसको हम यहाँ पर ड्रैग करते हैं। अब इस पिक्चर को थोड़ा सा हम लोग बड़ा करेंगे। तो बड़ा करने से पहले, जब चूंकि ये बिटमैप में इमेज है तो इसको हम कंट्रोल बी से पहले इसको ब्रेक कर लेंगे। अभी ये ब्रेक नहीं होगी, अभी मैंने कंट्रोल बी कर दिया है, ये ब्रेक हो जाएगी। तो इसके दोनों कॉर्नर जो है इनको ना हम लोग कट कर लेंगे और इसको फिर जोड़ देंगे ताकि ये रोटेशन में थोड़ा सा थोड़ी देर तक ये रोटेट करता रहे। इसलिए इन दोनों को मैंने जोड़ दिया है। और इसके बीच में देखो यहाँ पर कोई लाइन भी नज़र नहीं आ रही है, तो वो हमारा पर्पज़ यही था कट करने का। अब इसके ऊपर जो मास्किंग वाला जो सर्कल है मेरा, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूँगा ताकि मैप का सही से पार्ट इसके अंदर नज़र आए। टाइम लाइन पर यहाँ मैं फ्रेम्स को एक्सटेंड करूँगा दोनों फ्रेम को, तो मैप वाली जो है जिसको मैं इंसर्ट की फ्रेम करूँगा और मास्क वाला जो पार्ट है जिसका कुछ एनिमेशन होना नहीं है वो एक ही जगह पर रहेगा, तो इसको हम लोग इंसर्ट फ्रेम ही रहने देंगे। अब इसको हम लोग इस तरह से सेट कर लेंगे। ध्यान रहे कि मास्क के अंदर इस पिक्चर को जाने न दे, दोनों साइड से दोनों फ्रेम से हम लोग इस तरह से सेट कर लेंगे और इसको ऊपर वाले लेयर को मास्क कर देंगे। हमेशा याद रखो कि मास्क हमेशा ऊपर ही रहेगा, तो ये कुछ इस तरह से रोटेट होते ही दिखेगा। अब इसको मुझे 3D में दिखाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए मास्क हटाएंगे, जो मास्क वाला पार्ट है इसको कॉपी करके, इसको मैंने कॉपी कर लिया और कॉपी करके इसको ऊपर और एक लेयर पर इसको पेस्ट कर देंगे सेम प्लेस पर। और इसको 3D बॉल टाइप यहाँ पर कलरिंग करेंगे और यहाँ से ट्रांसफॉर्म के नीचे ये ग्रेडियंट ट्रांसफॉर्म टूल होता है, इससे लाइट को थोड़ा सा इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि 3D बॉल नज़र आए कुछ इस तरह से। इसके बाद इसको हम सिंबल में कन्वर्ट कर लेंगे, 3D ही नाम दे देते हैं। और ये इसलिए हमने किया ताकि प्रॉपर्टीज़ में जाकर के इसको हम अल्फ़ा कर सकें, क्योंकि अल्फ़ा यदि नहीं करेंगे तो ये एक्चुअल में क्या है, ये सिंबल यदि नहीं किया है तो अल्फ़ा का ऑप्शन नहीं आएगा और फिर नीचे वाले को एज इट इज मास्क कर देंगे। तो ये देखो इस तरह से 50% अल्फ़ा करने के बाद कुछ इस तरह से 3D इफेक्ट ये नज़र आएगा। और इसमें अब एक और एक चीज़ कर सकते हैं हम लोग कि इसको गाइड के थ्रू मैं इसको रोटेट करूं, तो मैं इन तीनों को एक साथ यहाँ से कॉपी कर लो या कट कर लो, आप कुछ भी कर सकते हैं। और फिर इसका हम सिंबल बना लेंगे, सिंबल को हम नाम दे देते हैं अर्थ ग्राफिक सिंबल बनाएंगे हम लोग और यहाँ अंदर आके इसको पेस्ट कर देंगे और बाहर से इन तीनों लेयर को हम हटा देंगे। अब ये जो सिंबल जो मैंने बनाया अर्थ वाला, ये मेरे यहाँ इस लाइब्रेरी में है जो बना है। अब इसको मैं यहाँ से ड्रैग करूँगा। उसके पहले मैं यहाँ पर ब्लैक कलर सिलेक्ट करके इसका एक गाइड बना दूँगा ताकि इस गाइड पर इसको मैं रोटेट करा सकूं।
और गाइड के लिए यहाँ से थोड़ा सा ब्रेक कर देंगे हम और सेकेंड लेयर लेंगे, ये यहाँ पर गाइड है। अर्थ के लिए और यहाँ से अर्थ को ड्रैग करेंगे लाइब्रेरी से, थोड़ा सा छोटा कर देंगे इसको। और चूंकि जैसे कि आपको पता होगा कि हम लोग गाइड को मैच करते हैं दोनों सिरों से, उसके पहले हम इसको क्लासिक ट्रिम करेंगे और थोड़ा सा इसको जूम करके इसको टच करेंगे। इस तरह से इसको हम इसको रोटेट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये 3D बॉल रोटेट होगी अपनी एक्सेस पर। अब इसके पीछे हम लोग अपना एक बैकग्राउंड भी डाल सकते हैं जो मैंने गूगल से ही लिया है, इंटरनेट से लिया है। और इस लेयर को हम लोग गाइड से बाहर कर देंगे, नहीं तो क्या होगा कि वो भी मुझे दिखेगा नहीं, इसलिए उसको मैंने बाहर कर दिया। अब इसको यहाँ से ड्रैग कर देंगे सबसे नीचे वाली लेयर पर और इसको भी हम लोग वैसे ही करेंगे, इसके इसको भी ऐसे ही कट करेंगे और इसको जोड़ देंगे ताकि थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर सके हम लोग, थोड़ा सा बड़ा करके ऑल्ट प्रेस करके मैं इसको आगे की तरफ लेके जा रहा हूँ। थोड़ा सा उसको हॉरिजॉन्टल फ्लिप कर दिया ताकि वो सिमिलर लगे। और इसको हम लोग इंसर्ट फ्रेम करेंगे ताकि इसको भी हम थोड़ा सा क्लासिक ट्रिम दे करके इसमें एनिमेशन दिखा सकते हैं। ध्यान रहे कि ये जो बाय डिफॉल्ट जो, और इस तरह से फाइनल आउटपुट आएगा। आई होप आपको पसंद आया होगा। इसी तरह से हम लोग इसका सोलर सिस्टम बनाएंगे जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।